The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Today I am Dr. Paramjeet and you're watching Dr. Education. Mere channel mein aapka swagat hai. This video I'm making on thyroid and pregnancy. It's very very important for you to understand this. सभी के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हॉर्मोन्स का नॉर्मल होना बहुत अति आवश्यक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर थायराइड लेवल्स टू बी नॉर्मल. और अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम नहीं भी है, इवन इफ़ यू हैव हाइपोथायराइड टेंडेंसी है, तो भी प्रेगनेंसी के टाइम पर आपका थायराइड मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आपके थायराइड लेवल्स एबनॉर्मल होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. सो अगर आपको थायराइड है, नहीं भी है, प्रेग्नेंट होने से पहले आपने अपना थायराइड लेवल चेक करना है. ये हर गायनेकोलॉजिस्ट कराते ही हैं. तो अगर आप नहीं जा रहे हैं डॉक्टर के पास तो आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए खुद करिए थायराइड लेवल्स अपना T3, T4, TSH. और अगर आपके TSH लेवल्स जो होने चाहिए पहले दो महीने में, और बल्कि हर महीने में रेगुलरली चेक होने चाहिए. सो यू हैव टू डू अ TSH लेवल बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट, बिफोर प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एवरी मंथ और टू टू थ्री मंथ्स इट्स इम्पॉर्टेंट. Why? Because TSH levels pregnancy के दौरान होने चाहिए 2 या 3 से नीचे. जो normal मिली international units पर ml का जो values आती हैं, जो normal lab में आती है 0.5 से लेके 5 तक, वो 5 तक नहीं होनी चाहिए. वो 5 या 4 है तो thyroid normal आदमी के लिए चल जाएगा, लेकिन pregnancy में नहीं चलेगा. प्रेगनेंसी में 2 से नीचे 2.5 से नीचे 3 से नीचे होनी चाहिए. ये अलग अलग ट्राइमेस्टर में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. आइडियल 2 से नीचे होती है, राइट? और जैसे जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर 2.5 से नीचे, थर्ड ट्राइमेस्टर 3 से नीचे, ये होनी चाहिए. सो अगर आपका TSH पहले से 4-5 है तो आपको लैब के अकॉर्डिंग नॉर्मल है, आपको लगेगा मुझे दवाई नहीं खानी, आपको खानी पड़ेगी. यू नीड टू ईट थायराइड मेडिसिंस इफ़ योर TSH इज़ अबव 3 और इट्स 4 और 5, इवन इफ इट इज़ इन द नॉर्मल रेंज, राइट? बिफोर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इवन दिस इतना सा भी जो सब क्लिनिकल थायराइड ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि आपको सिम्टम नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम कर सकता है आपकी प्रेगनेंसी में. दिस कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस, इवन मिसकैरेज, इवन डिफॉर्मिटीज, राइट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बट दिस इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट. इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही आसानी से मात्र 100-200 रुपये, 300 रुपये का टेस्ट होता है थायराइड. ये हर 2-3 महीने में कराने से चेक हो जाता है, पता चल जाता है, और थोड़ी सी दवाई खाने से ठीक मेंटेन रह जाता है. और कई लोगों की, 99% लोगों की, यानी काफ़ी ज़्यादा लोगों की, जो जिनका पहले से थायराइड नहीं, आगे चल के TSH की लेवल्स नॉर्मल आ जाते हैं, दवा बंद हो जाती है, राइट? सो आपके केस में क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है, राइट? और ये बात याद रखिए कि प्रेगनेंसी के दौरान इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इन योर पेरीनेटल केयर. अगर आपको थायराइड है तो एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को अपने प्रेगनेंसी के दौरान वाले सारे केयर में इंक्लूड करना अति आवश्यक है. ये बहुत ज़रूरी है, अलॉन्ग विथ आपके गायनेकोलॉजिस्ट तो होने ही चाहिए, है कि नहीं? तो रेगुलर एडवाइस आपने गायनेकोलॉजिस्ट से, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, दोनों से लेनी है, और ये हर 1 से 2 महीने में लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और इसके अलावा आपको थायराइड के बारे में बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं.
अलग अलग कारण हो सकता है। ये हो सकता है कि थायराइड को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा कि वो हार्मोन बनाए, आयोडीन डेफिशिएंसी, जिंक सेलेनियम डेफिशिएंसी, तब न्यूट्रिशन देंगे, आयोडीन जिंक सेलेनियम रिच डाइट देंगे तो वो बनाने लग जाएगा, ठीक हो जाएगा, थायराइड दवा बंद हो जाएगी। ये हो सकता है थायराइड ग्लैंड डैमेज हो रहा है ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से और थायरॉयडाइटिस की वजह से थायराइड ग्लैंड डैमेज हो गया तो वो बनना बंद हो गया थायरॉक्सिन। जितना डैमेज, जितना हिस्सा खराब हो गया उतना थायरॉक्सिन नहीं बन रहा है आपका, तो आपको दवाई ज़िंदगी भर लेनी पड़ सकती है। फिर आप कुछ भी कर लो, डाइट कुछ भी खा लो, आपका थायराइड बंद नहीं हो जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ थायराइड। गोइट्रोजेंस की गलती नहीं है, गोइट्रोजेंस को पका दो उनकी गोइट्रोजेनिसिटी बंद खत्म हो जाती है। सोए की गलती नहीं है, सोए पका दो उसकी, सोए के अंदर की गोइट्रोजेंस खत्म हो जाते हैं, राइट। ग्लूटेन से तो मिथ है, ग्लूटेन से थायराइड नहीं होता, ग्लूटेन फ्री डाइट की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी गलत धारणाएँ, बहुत सारे पागलपन है इंटरनेट में, दुनिया भर में। सो डोंट फूल योर सेल्फ, गो फॉर प्रॉपर नॉलेज। मैंने उस पर 4 एपिसोड बनाए हैं थायराइड के, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं थायराइड बाय डॉक्टर एजुकेशन। डाइट से लेके बीमारी से लेके हर चीज़ समझाई गई है, हाइपोथायराइड, हाइपर थायराइड, एवरीथिंग। गो एंड वॉच द वीडियो एंड डोंट वरी अबाउट इट। ऑलवेज अंडरस्टैंड नॉलेज इज प्रिवेंशन, दैट्स वाई दिस वीडियो इज इम्पॉर्टेंट। सो इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, एंड मेक श्योर everyone watches this. ओके, सो गुड लक guys. I'm डॉक्टर परमजीत एंड यू आर watching डॉक्टर एजुकेशन एंड आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेहरू नगर, डेली NCR. यू नो हाउ टू कनेक्ट विथ मी, आई कम लाइव डेली ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड अदर यूट्यूब चैनल डॉक्टर एजुकेशन FAQs. एंड देर आर 3 वेज, लाइब्रेट, प्रैक्टो एंड डॉकवाइज एप्लीकेशन थ्रू विच यू कैन connect with me. All right, so thank you so much guys. All you need to do to stay healthy is stay connected.